नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। करंट अफेयर्स का आप इंतजार कर रहे होंगे, अच्छा इंतजार नहीं कर रहे होंगे, अभी अभी सो के उठे होंगे, कोई बात नहीं, जैसा भी है, जब भी आप इसे इस करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, ये आपका अपना है और इसे अपना समझते हुए थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और अगर मन करे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आज के करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। आज की तारीख है 6 अगस्त, तो आज की करंट अफेयर्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बवाल हो गया है, पाकिस्तान ने नया नक्शा जारी कर दिया है, इस बारे में बातचीत करते हैं। चलिए लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, उससे पहले एक योजना राज्य सरकार की तरफ से आई, आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से। आप सभी को याद होगा कि हैदराबाद में एक जघन्य हत्याकांड हुआ था, एक पशु चिकित्सक महिला थी उनके साथ। उसके बाद दिशा कानून लागू करने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य है और आंध्र प्रदेश में अब जब से वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी जी की सरकार आई है, काफी सारी योजनाएं हमें देखने को मिली और हर योजना के पहले वाईएसआर लिखा होता है, तो अगर किसी भी योजना के पहले वाईएसआर लिखा हो तो आप उसे मान सकते हैं कि वो आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई योजना है। फिलहाल एक और योजना लॉन्च की गई है जो महिलाएं या कभी कभी पुरुष भी जब भी वो फेसबुक, व्हाट्सएप या जब भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें किसी प्रोफाइल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभी उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं, कुछ अपशब्द उन्हें सुनने को मिल जाते हैं या कभी कभी उनका जो डेटा है वो चोरी हो जाता है, कभी कुछ इस तरीके की जो ऑनलाइन गतिविधियां होती हैं, जो खराब गतिविधियां होती हैं, इनको रोकने के लिए अभी रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आंध्र प्रदेश सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम के लिए ई रक्षाबंधन की शुरुआत की है। यह आपराधिक जांच विभाग सीआईडी यानी कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और राज्य पुलिस का अपनी तरह का एक पहला आभासी कार्यक्रम है। एक महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य साइबर स्पेस में जनता, विशेषकर महिलाओं, युवाओं और बच्चों में जागरूकता पैदा करना है और किस तरीके से वे ऑनलाइन चीजों का इस्तेमाल करें, किस तरह से वेबसाइट का इस्तेमाल करें, तो इसके बारे में उनको जागरूकता फैलाई जाएगी और यह अभियान शुरू किया गया ई रक्षाबंधन नाम से, क्योंकि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर इसको शुरू किया गया था। इस तरह से ई रक्षाबंधन साइबर स्पेस में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। साइबर स्पेस का मतलब क्या है? साइबर स्पेस का मतलब यह है कि इंटरनेट की दुनिया में, मैं तो ऐसा मैंने ऐसा महसूस किया है कि कभी कभी हम फेसबुक पे या किसी भी चीज को देखते हैं तो शायद हम अपने आप को ओरिजिनली रिप्रेजेंट नहीं करते, हम ऐसी चीजों से रिप्रेजेंट करने लगते हैं जो शायद हम वास्तव में होते नहीं। सोचिएगा कभी इस विचार पे गौर से देखिएगा कि कई सारे लोग अगर किसी की गाड़ी के बगल में खड़े हैं तो गाड़ी वाली फोटो डाल देंगे, ऐसे में बड़ा ही असमंजस वाली स्थिति हो जाती है। माफी चाहूंगा मैं भटक गया, मुझे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की बात करनी। यहां पर इस थीम को लॉन्च किया गया है और इसके लिए थीम लिया गया है एक लेट अस मेक अगस्त ए मंथ ए ऑफ ई फ्रीडम एंड ई सेफ्टी। लेट अस मेक अगस्त ए मंथ, अगस्त के महीने को एक ऐसा महीना बनाया जाए जिसमें ई सेफ्टी और ई सुरक्षा की बात की जाए। क्योंकि आंध्र प्रदेश आया है तो आंध्र प्रदेश के पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। आंध्र प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर 3 राजधानियां हैं, विशाखापट्टनम, कुर्नूल और जी हां अमरावती। इस तरह से बात करें तो आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने अभी हाल ही में एक प्रपोजल क्लियर किया और अब इस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं, यानी कि अब आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी है, विशाखापट्टनम, अमरावती, कुर्नूल। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में 2-2 राजधानियां हैं, तो क्यों ना आज का क्वेश्चन ऑफ द डे यही बना देते हैं कि महाराष्ट्र की 2 राजधानियां उनके नाम बताइए, हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां उनके नाम बताइए, उत्तराखंड की भी 2 राजधानियां उनके नाम बताइए। जिन राज्यों की 1 से अधिक राजधानी है, भाई अपने यूपी की तो एक ही है लखनऊ, बाकी भी आप बिहार के रहते होंगे तो वहां की भी एक ही है पटना, तो इसी तरीके से कई राज्य ऐसे हैं जहां पे 2 राजधानियां हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहां पे 3 राजधानियां। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे यही है कि आपको बताना है कि भाई हमारे ऐसे कौन से राज्य हैं जहां 2 से अधिक राजधानी है, 1 से अधिक राजधानी है। चलिए अगली जानकारी तरफ चले। ऑपरेशन मुस्कान का नाम आपने सुना होगा, माफी चाहूंगा यहां पर लिखा नहीं है, ऑपरेशन मुस्कान का संबंध भी आंध्र प्रदेश से है। उन बच्चों को जो पिछड़ गए हैं अपने मां बाप से, उनको वापस मिलाने के लिए पुलिस की 1 महीने की ये मुहिम थी। 1 महीने के दौरान उन बच्चों को जोड़ा जाएगा, उन बच्चों को ढूंढा जाएगा, उनके मां बाप से उनको मिलवाया जाएगा, तो इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन ई रक्षाबंधन आपने देख ही लिया। सीएम जगनमोहन रेड्डी ने अभी हाल ही में वाईएसआर आरोग्य श्री स्कीम लॉन्च की थी इलुरू आंध्र प्रदेश में, ताकि लोग सुरक्षित रह सके। और आंध्र प्रदेश सीएम ने अभी हाल ही में 6,318 करोड़ रुपए की जगन्ना अम्मा वोडी स्कीम शुरू की है। जगन्ना अम्मा वोडी स्कीम अपने तरह की
पहली स्कीम है पूरे भारत में। इसमें महिलाओं को ये पैसे दिए जा रहे हैं, सब्सिडी दी जा रही है, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, उनके स्कूल की फीस जो है उसका खर्च उठा सके। इसके अलावा पहली बार विशाखा आंध्र प्रदेश में 14वां ग्लोबल हेल्थ केयर समिट देखने को मिला, 2021 अमरावती में देखने को मिलेगा कैपिटल में। तो आंध्र प्रदेश जो है इसने अभी हाल ही में भारत का पहला फ्रूट ट्रेन चलाया था अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट से। वाईएसआर पेंशन कनकुआ योजना एक पेंशन योजना है, वाईएसआर पेंशन कनकुआ से आप समझ सकते हैं कि आंध्र प्रदेश की ही योजना है पेंशन कनकुआ योजना। इसमें क्या किया गया कि इसमें उम्र घटाई गई है, पहले 65 वर्ष के बाद के व्यक्तियों को ही ये पेंशन दी जा रही थी, वृद्धावस्था पेंशन योजना है ये, अब 60 वर्ष के जो व्यक्ति होंगे उनको भी ये पेंशन प्राप्त होगी, तो 65 से 60 वर्ष कर दी गई है उम्र। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि ये बुजुर्ग हैं जो ऑफिस नहीं जा पाते हैं या उन कार्यालयों पर नहीं जा पाते जहां से उनको पेंशन प्राप्त होनी है, तो वो उनके घर पर ही उनको दी जाएगी। आगे एपीसीएम जगनमोहन रेड्डी ने अभी हाल ही में नाडू नेडू नाम की एक स्कीम शुरू की है। नाडू नेडू जो है ये मेडिकल हॉस्पिटल से संबंधित है, हॉस्पिटल का मॉडर्नाइज किया जाएगा। सीएम जगनमोहन रेड्डी ने अभी हाल ही में भारत का क्या एपी आंध्र प्रदेश का भी पहला दिशा पुलिस स्टेशन लॉन्च किया था और दिशा कानून बनाया था, राजा महेंद्र वर्मन महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून है। आंध्र प्रदेश जो है ये पहला राज्य है बना, यानी कि इसका रैंक पहला आया है जिन लोगों ने पोषण अभियान का इम्प्लीमेंटेशन किया है। पोषण अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है जिसमें कुपोषण से लड़ने के लिए न्यूट्रिशन प्रदान किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश सीएम ने अभी हाल ही में निगाह नाम का एक ऐप लॉन्च किया था। निगाह स्पेलिंग याद रखिएगा, थोड़ी सी अलग है, निगाह लिखी है, तो निगाह नाम का जो ऐप है ये इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस जो होती हैं, यानी कि कभी बूथ कैप्चरिंग हो जाना, कभी कुछ उठा लेना, मतलब कि जो चुनाव संबंधी जो भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है उसको रोकने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया गया और 25 लाख गरीब व्यक्तियों को आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में उनको अपना घर बनाने के लिए साइट प्रदान की जाई है और इस योजना का नाम रखा गया है नवरत्नालु पेदलांद्री की इल्लू प्रोग्राम। मैं कभी भी इसको सही प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूं। चीफ मिनिस्टर येदुगुरी संदिनीति जगनमोहन रेड्डी ये हो गया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है, स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर और स्टेट एनिमल है ब्लैकबक और स्टेट ट्री है नीम का पेड़। ब्लैकबक हिरन है। लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 11 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि जो आपका विशाखापट्टनम अमरावती और कुरनूल है उसमें से जो कुरनूल है वो जुडिशरी है, अमरावती लेजिस्लेटिव है और विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव है। तो ये विधायी राजधानी है, यानी कि विधान भवन जो आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और न्यायालय की बात करें तो कुरनूल में आपको देखने को मिलेगा और ये एग्जीक्यूटिव यानी कि जो मंत्री वगैरह बैठेंगे अपना जो ऑफिस वगैरह वो बनाएंगे वो विशाखापट्टनम में बनाएंगे। तो इस तरीके से ये आंध्र प्रदेश का पूरा 6 महीने का करंट अफेयर मैंने आपको कवर करा दिया है। आगे चलते हैं, अब ये हिंदी में न्यूज है, अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। तो वही न्यूज आ जाती है भाई, पाकिस्तान माना नहीं और उसने अपना एक नक्शा जारी कर दिया और एक कदम आगे बढ़कर जारी किया, मतलब कि जम्मू कश्मीर ले लेते, नक्शे में दिखा लेते तो ठीक था, जम्मू कश्मीर को तो दिखाया ही, लद्दाख भी दिखाया और गुजरात का जूनागढ़ भी अपने इलाके में बताया है कि वो सब पाकिस्तान की संपत्ति है या पाकिस्तान के एरिया में आता है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी जनता को खुश करने के लिए यह भी बताया कि इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलवाएंगे और पाकिस्तान के जो भी सर्कुलर होंगे उनमें इसी तरह का नक्शा जारी होगा। यहां पर पाकिस्तान का आप नक्शा देख सकते हो, थोड़ा सा मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि आपको दिख जाएगा। आई थिंक मैं इसे थोड़ा जूम कर पाऊंगा, नहीं मैं इसे जूम नहीं कर पाऊंगा, माफी चाहूंगा। तो ये है आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान पे आप देखो ये पूरा उन्होंने लद्दाख को कवर करते हुए दिखाया है, इसमें गिलगिट भी उन्होंने ले लिया और बाल्टिस्तान भी उन्होंने पूरा कर लिया कंप्लीट और इसको ये बताया कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी। और यहां पर आप देखो गुजरात का जूनागढ़ भी उन्होंने डिस्प्यूटेड टेरिटरी के रूप में दिखाया है, मतलब ये विवादित क्षेत्र है। मनसा क्या है पाकिस्तान, देखिए दो मनसाएं यहां पर नजर आती हैं कि जब 5 अगस्त 2019 में जब एक साल पहले क्या हुआ था, धारा 370 अनुच्छेद 370 हट गया था, जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया था, उसके बाद से पाकिस्तान ने कोई बड़ा बोल्ड स्टेप नहीं उठाया। बहुत सारे प्रयास किए राजनीतिक तौर पर, बड़ी बड़ी वैश्विक संस्थाओं में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गए लेकिन खास सफलता हाथ नहीं लगी। सभी लोगों ने नकार दिया कि भाई आपका आपस में मामला है, आप आपस में ही सुलझा ले, इस तरह की बातचीत होने लगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ये बातचीत चल रही है, जैसा उसका फैसला आएगा तो उसके बारे में हमें पता चलेगा कि क्या होना है, वैसे कुछ होना नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो राजनीतिक रूप से अपने आप को मजबूत दिखाना चाहते हैं, इसीलिए भारत ने इसको राजनीतिक मूर्खता करार दिया है।
कि ये सिर्फ और सिर्फ हास्यास्पद है, इस चीज का कोई वजूद नहीं है। कि आप नक्शा बनाना हो तो नक्शा कुछ भी बना लो, पूरा भारत ही अपने अंदर नक्शे में बना लो कि पूरा भारत हमारा, कोई अंतर्राष्ट्रीय पहचान नहीं है इस चीज की। लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले ऐसा ही एक विवाद नेपाल की तरफ से भी हमें देखने को मिला। और अगर आपने थोड़ा सा न्यूज अभी ध्यान से देखा होगा तो अभी चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल, इन चार देशों ने मिलकर एक संवाद किया है, एक सम्मेलन किया है, जहां पर कोविड 19 से लड़ने की बात दिखाई गई मीडिया को। मुझे ऐसा लगता है अंदर अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, खिचड़ी पकड़ी फिलहाल बोल सकता है, तो भविष्य के गर्त में है क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, नेपाल ने क्या किया था, लिंपिया धुरा, लिपुलेक और काला पानी, ये तीन क्षेत्र हैं जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं, और उसको क्या कर दिया, अपने एरिया में दिखा दिया, उसके ऊपर भी विवाद चला। फिर उनके कई सारे जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, उनके कई सारे बयान आए, तो उसमें भी काफी सारी चीजें हुई। तो हाल फिलहाल इसका कोई भी एक संवैधानिक या कानूनन अस्तित्व तो नहीं है, लीगली ये बिल्कुल गलत तरीके से उन्होंने नक्शा जारी किया है। फिलहाल आगे देखते हैं क्या हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने नेपाल की तरह नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है और भारतीय इलाकों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गुजरात के जूनागढ़ को अपने नक्शे में शामिल किया है। अगली जानकारी पे चलेंगे, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कुछ बात कर लें, क्योंकि अपना पड़ोसी है, पड़ोसी के जितना अच्छे से जान लें उतना बढ़िया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस 14 अगस्त 1947 को हुआ था, इसलिए वो हमसे एक दिन पहले अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेशनल एनिमल मरखोर है, नेशनल बर्ड चुकर, चुकर जिसे आप तीतर भी कह सकते हो, नेशनल फ्रूट मैंगो है गर्मी में, लेकिन ठंडियों में अमरूद खाते हैं ये लोग। नेशनल ट्री जो है वो देवदार है, फेमस फेस्टिवल ईद उल फितर, ईद उल अजहा और शाबे बरात है। प्राइम मिनिस्टर वर्तमान समय में इमरान खान, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति आरिफ अलवी, नेम ऑफ पार्लियामेंट ये नेशनल असेंबली ही बोलते हैं, राष्ट्रीय संसद ही बोलते हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वर्तमान समय में 342 है। नेशनल लैंग्वेज उर्दू है और इंग्लिश है। नंबर ऑफ प्रोविंस 4 बड़े राज्य आपको देखने को मिलेंगे। करेंसी जो है वो पाकिस्तानी रुपया है। अगली जानकारी तक चले तो राम मंदिर मुद्दा, ये मैं थोड़ा सा लेट लेके आ रहा हूं, लेकिन आपको पता ही है कि कल राम मंदिर का जो है वो शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन वगैरह हुआ, तो वो मंदिर कैसा दिखाई देगा, एक छोटी सी जानकारी आपको जरूर पता होनी चाहिए। मंदिर कुछ ऐसा दिखाई देगा तस्वीर में, ये अष्टकोणीय मंदिर होगा और नागर शैली में इसको डेवलप किया जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए हो रहे भूमि पूजन से पहले मंदिर की प्रस्तावित तस्वीरें जारी की है। अयोध्या का राम मंदिर बनने की बात कुछ ऐसा ही दिखेगा, इसके लिए अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के निर्माण से पहले भूमि पूजन का बड़ा कार्यक्रम हुआ। मंदिर के पास 70 एकड़ जमीन होगी और 65 एकड़ की जमीन पर मंदिर परिसर का विस्तार किया जाएगा और यह नागर शैली में बना अष्टकोणी मंदिर होगा। और ऐसा माना जा रहा है कि जितना प्रस्तावित है, अगर यह पूरा बन जाता है तो यह भारत का सबसे बड़ा मंदिर होगा। अगली जानकारी तब चलते हैं, एक पुस्तक का नाम यहां पर आपको देखने को मिलेगा। भारत में अगर देखा जाए तो हम लोग क्रिकेट के अलावा शायद ही कोई गेम देखते हैं, शायद ही कोई गेम, मतलब कि मुझे तो ऐसा लगता है कि क्रिकेट के अलावा आपको कई सारे ऐसे गेम होंगे जिनके नियम भी नहीं पता होंगे आपको, क्या मुझे भी नहीं पता है। तो होता क्या है कि ऐसे में वो जो खिलाड़ी हैं दूसरे खेलों वाले, वो थोड़ा सा अपने आप को डिप्रेस महसूस करते हैं। ऐसी एक कहानी हमारे बास्केटबॉल टीम के कप्तान जो थे विश्वेश भृगुवंशी के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है और इसका नाम लिखा गया है विशेष कोड टू विन। इस पुस्तक को लिखा है एक प्रसिद्ध लेखिका है और ये स्पोर्ट्स वुमेन लेखिका है, इनका नाम है निरुपमा यादव, इन्होंने लिखा है और इसका प्रकाशन हाउस ब्लू रोज पब्लिकेशन कर रहा है। इसको 29 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। यह पुस्तक एक क्रिकेट प्रभुत्व वाले राष्ट्र में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मानसिकता को दर्शाता है, उसकी यात्रा को दर्शाता है जहां उसे कई सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तब जाके वो अपनी पहचान बना पाता है। तो फिलहाल यह पुस्तक भृगुवंशी उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं उन पर लिखी गई है। पुस्तक का उद्देश्य खेल उद्योग को क्रिकेट की तरह भारत में अन्य खेलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो पुस्तक का नाम है विशेष कोड टू विन, विशेष भृगुवंशी पर लिखी गई है। ब्रिकेश भृगुवंशी भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम कप्तान है। अगली जानकारी है कोविड-19 के ऊपर। कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो भारत में भी डेवलप हो रही है। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे इसे डेवलप कर रहा है और अब उसको इसके परीक्षण के द्वितीय और तृतीय चरण की मंजूरी मिल गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपका ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही इसे डेवलप कर रहा है, इसके अलावा एक और कंपनी है बायोटेक, वो भी इसे डेवलप कर रही है, और एक कंपनी है जाइडस, वो भी इसे डेवलप कर रही है। तो मतलब ये अलग अलग अपनी अपनी जो है वो
वैक्सीन डेवलप कर रही है, लेकिन जो सबसे आगे चल रही है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII की वैक्सीन आगे चल रही है। बायोटेक की जो वैक्सीन है उसका नाम इन्होंने रखा है कोवैक्सीन। और जाइडस कोविड की बात करें तो जाइडस कैडिला जो कंपनी बना रही है वो बना रही है जेड कोव डी के नाम से वैक्सीन। जाइडस कैडिला एक कंपनी और है। तो तीन कंपनियां हैं जो बेहतरीन तरीके से आपके वैक्सीन पर काम कर रही हैं भारत के अंदर। वैसे तो और देशों में ये काम हो रहा है लेकिन हमारे यहाँ तीन चीजें, तीन लोग ऐसे हैं, तीन इंस्टीट्यूट ऐसे हैं। एक आपका हो गया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये बना रहा है, और एक और बना रहा है बायोटेक कंपनी बना रही है। बायोटेक वो कंपनी है जिसने पहली किट डेवलप की थी भारत के अंदर जिससे आप कोरोना टेस्टिंग कर सकते थे। और जाइडस कैडिला जो है ये जेड कोव डी के नाम से बना रही है, ये कोवैक्सीन के नाम से ये अपनी वैक्सीन बना रहा है। तो हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ही एक नियामक संस्था है जो भारत के अंदर बनने वाली सभी दवाओं, सभी वैक्सीन और सभी डिवाइसेस को आगे बढ़ाती है, यानी कि लाइसेंसिंग प्रणाली से जोड़ती है और कंट्रोल करती है कि उनकी क्वालिटी कहीं ऐसी ना हो जाए जिससे लोगों को नुकसान हो। तो ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इस समय में विजय सोमानी है द्वारा भारत में कोविशील्ड, ये इनकी दवा का नाम कोविशील्ड है, कोविशील्ड के द्वितीय और तृतीय चरण के नैदानिक परीक्षण करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मंजूरी देती है। SII विश्व में वैक्सीन का सबसे बड़ा निर्माता है और इसके द्वारा निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए COVID-19 वैक्सीन बनाने हेतु स्वीडिश ब्रिटिश फर्म एस्ट्राजेनिका ने टाइप किया है। यह ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका COVID-19 वैक्सीन के निर्माता इसको नाम दिया गया है, जिसे तकनीकी रूप से AZD1222 या CHADOX1NCOV19 कहा जाएगा। तो इसको नाम याद रखिएगा, इसका नाम ऐसा रखा गया है कोविशील्ड। यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे द्वारा बनाई जा रही है। अगली जानकारी है SpaceX कैप्सूल वापस आ गया है और अमेरिका का ये प्रैक्टिकल सफल रहा। अमेरिका में एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है SpaceX, एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क पहले पेपाल के मालिक हुआ करते थे, पेपाल जिस कंसेप्ट पे काम करता था उसी पे पेटीएम आज के डेट में काम कर रहा है, मैंने जाने कितने बार आपको ये बताया है। तो फिलहाल एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने ये साबित कर दिया है कि वो अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से अंतरिक्ष स्टेशन पर और अंतरिक्ष स्टेशन से वापस पृथ्वी पर लाने पर सक्षम है। तो दो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर वापसी हुई है। यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पहला वाणिज्यिक क्रू मिशन है जो धरती पर लौट आया है। वाणिज्यिक का मतलब आप समझ रहे हैं, वाणिज्य का मतलब ये बिजनेस ट्रेवल था। एक तरह से चेक करना था कि आप कल को होने वाले अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव ले पाएंगे, यानी कि जो स्पेस टूरिज्म है, स्पेस पर्यटन है, अंतरिक्ष पर्यटन के क्षेत्र में, पर्यटन का मतलब लोग घूमने जाएंगे अंतरिक्ष में, तो उसके लिए SpaceX अपना काम कर रही है और पूरे विश्व की एक अकेली कंपनी है जो इसके ऊपर काम करते चली जा रही है। तो फिलहाल SpaceX ड्रैगन कैप्सूल नाम से एक कैप्सूल आया जिसमें डॉग हरले और बॉब बेहनकेन को लेकर मेक्सिको की खाड़ी में उतरा। ऐसा 45 साल बाद हुआ जब नासा के अंतरिक्ष यात्री समुद्र में उतरे हैं। हरले और कमांडर बॉब बेहनकेन ने, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 2 महीने बिताए, उनको लेने के लिए एक रिकवरी बोट भेजी गई थी और इस मिशन की कामयाबी से साफ हो गया है कि अमेरिका अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने और उन्हें वापस लाने की पूरी तरह से क्षमता रखता है। तो SpaceX एलन मस्क की कंपनी है, इसको याद रखिएगा। अगली जानकारी के तो चलते हैं। अगली जानकारी है एक विद्यार्थी विज्ञान मंथन प्रोग्राम हर साल होता है, ये एक तरह का टैलेंट सर्च एग्जाम है। तो इसको अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 नाम से एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें छात्रों को इसलिए बिठाया जाता है ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ विज्ञान में भी रुचि ले सके। खासकर इसमें 6 से लेकर 11 तक के जो स्कूली बच्चे होते हैं उनको इसमें बिठाया जाता है और फिर इनको 2,000 से लेकर 2,500 रुपए तक प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है अच्छा प्रदर्शन करने वाले को। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के NCERT के तहत एक स्वायत्त संगठन यानी कि एक NGO है, उसका नाम है विजनना भारती नाम का यह जो NGO है यह इस एग्जाम को कराता है विज्ञान प्रसार के साथ। दो NGO है जो मिलकर ये कराते हैं और इसमें पूरे भारत से बच्चे बैठते हैं और जो टैलेंट सर्च एग्जाम में आपने ओलंपियाड का नाम सुना होगा उसी तरह के भारत का ये एक साइंस बेस्ड, यानी कि जिन बच्चों की साइंस में रुचि है और जो साइंस में अच्छा करना चाहते हैं वो ऐसे एग्जाम में बैठ सकते हैं। vbm.org इसकी वेबसाइट है। अगर आपके आसपास भी कोई 6 से 11 साल का ऐसा बच्चा है जो वाकई में पढ़ना चाहता है और वाकई में कुछ स्कॉलरशिप हासिल करना चाहता है या उसकी साइंस में बहुत ज्यादा रुचि है तो उसे ये एग्जाम में आप बिठा सकते हो। ये प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है। तो फिलहाल यह विज्ञान में रुचि रखने वाले उज्ज्वल छात्रों की पहचान करता है और उन्हें फिर आगे के लिए प्रशिक्षित करता है, उन्हें PhD वगैरह के लिए मिलता है।
और ये ओपन बुक एग्जाम होता है, यानी कि आपको किताब मिलेगी, यहां पर आप किताब के साथ बैठकर एग्जाम दे सकते हो। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो है दीपांकर घोष, इंडियन एक्सप्रेस के दीपांकर घोष को इस बार का प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया गया है। प्रेम भाटिया पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जो भारत में दिया जाता है। प्रेम भाटिया पुरस्कार प्रेम भाटिया जी के मेमोरी में दिया जाता है। प्रेम भाटिया जी भारत के बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं, उनके बारे में अगर आपको पढ़ने को मिले तो 1911 से लेकर 1995 के इरा में ये बहुत फेमस जर्नलिस्ट थे। कई सारी बुक लिखी, कई सारे इन्होंने इंटरव्यूज किए और बहुत फेमस जर्नलिस्ट, उन्हीं की याद में ये दिया जाता है। जीतने वाले को 2,00,000 रुपए पुरस्कार दिया जाता है, अगर कोई संस्था है तो उसे 1,50,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। तो इस वर्ष ये पुरस्कार दीपांकर घोष को दिया गया है। दीपांकर घोष आपके इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित है। क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने COVID-19 के दौरान जो जर्नलिज्म किया, जो पत्रकारिता की, जिसमें मजदूरों की दशा दिखाई, उसकी वजह से उनको यह पुरस्कार दिया गया है। पिछले वर्ष लोकसभा के चुनावों के ऊपर कवरेज करने के लिए यह पुरस्कार इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई को दिया गया था। तो भारतीय पत्रकार और इंडियन एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता दीपांकर घोष ने राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीत लिया है। उन्होंने प्रवासी श्रम संकट सहित COVID-19 महामारी से संबंधित विभिन्न मुद्दों को कवर किया। इसके अलावा पीपल आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया परी नाम की एक पत्रकारिता वेबसाइट है, उसको पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने के लिए भी इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। जिसमें दीपांकर घोष को 2,00,000 रुपए मिलेंगे इनाम के तौर पर, पुरस्कार राशि के तौर पर, और परी को 1,50,000 रुपए दिए जाएंगे। अगली जानकारी है जो आप देख पा रहे हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC देश के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शशिधर जगदीशन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वो आदित्य पुरी का स्थान लेने जा रहे हैं। पुरी से याद आया, कल मैंने आपको बताया था कि संजीव पुरी जी की अध्यक्षता में, जो कि ITC के हेड है, ITC यानी कि इंडियन टोबैको कंपनी के हेड है, उनकी अध्यक्षता में अभी हाल ही में कृषि पर होने वाले निर्यात के ऊपर एक कमेटी गठित की गई थी। कमेटी किसने गठित की थी? 15वें वित्त आयोग ने उनकी सिफारिशों को लागू किया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। फिर यहां पे आदित्य पुरी जी आ जाते हैं। आदित्य पुरी जी रिप्लेस हो रहे हैं, किनसे रिप्लेस हो रहे हैं? शशिधर जगदीशन पे। आदित्य पुरी क्या थे? HDFC बैंक के MD और CEO थे, जहां पर वो अब शशिधर जगदीशन की जगह लेने वाले हैं। वह अक्टूबर में पदभार संभालेंगे जब पूरी सेवानिवृत्त होंगे। सितंबर 1994 से आदित्य पुरी HDFC बैंक के CEO थे। वह भारत में किसी भी निजी बैंक के सबसे लंबे समय तक सेवा में करने वाले प्रमुख हैं। तो शशिधर जगदीशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके पास धन बैंकिंग और वित्त में और साथ में मास्टर डिग्री है। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC भारत का एक प्रमुख बैंक है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। वर्तमान समय में अब इसके शशिधरन आपके CEO हो जाएंगे। इसका मुख्यालय मुंबई में है और कर्मचारियों की संख्या लगभग 1,00,000 के आसपास है। अगली जानकारी है, महात्मा गांधी जी के ऊपर रॉयल मिंट एक सिक्का ढालने जा रही है, यानी कि पहली बार ऐसा होगा कि किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी भारतीय व्यक्ति के ऊपर रॉयल मिंट सिक्का ढालने जा रही है। तो बेम समुदाय यानी कि ब्लैक एशियन या माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप के लोगों को योगदान को पहचानने के लिए चांसलर ऑफ एक्सचेकर जो कि वर्तमान समय में ऋषि सुनक है, ऋषि सुनक आपके नारायण मूर्ति के दामाद हैं, वो अभी ब्रिटेन में वित्त मंत्री के तौर पर आप एक कह सकते हैं कि कार्य कर रहे हैं, और उन्हीं ने एक जो चलन बताया कि इनके नाम को भी पहचान दिया जाना चाहिए, तो क्यों ना इनके नाम पर कुछ सिक्के ढाले जाए। तो ऐसे में आगे जाते हुए रॉयल मिंट ने महात्मा गांधी के नाम पर सिक्का ढालने का बात की है और महात्मा गांधी के नाम पर सिक्के ढालेंगे। तो ब्रिटेन के वर्तमान वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने बेम समुदाय के व्यक्तियों को मान्यता को आगे बढ़ाने के लिए रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी को एक पत्र जारी किया और RMC यानी कि रॉयल मिंट कमेटी आदेश का पालन करने के लिए एक कदम आगे गई और उन्हें गांधी जी को याद करने के लिए उसके ऊपर एक सिक्का बनाने की बात की है, यानी उन्हें ऑनर दिया जाएगा। अब बारी है न्यूज फटाफट। इंडिया जो है वो स्क्वाश चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये पार्टिसिपेशन जो है COVID-19 की महामारी के कारण हुआ और क्योंकि तैयारी पूरी नहीं हो पाई इसलिए इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। स्क्वैश एक ऐसा गेम होता है जिसमें सामने वॉल होती है, वॉल पर आप एक रैकेट के थ्रू बॉल सेंड करते हो, फिर वो बॉल वापस आती है, इस तरह से पॉइंट बनते हैं। स्क्वैश की बात करें तो जोसना चिनप्पा का आपने नाम सुना होगा, दीपिका पल्लवल्ली का नाम सुना होगा, सौरभ घोषाल का नाम सुना होगा, ये भारत के प्रमुख स्क्वैश प्लेयर हैं वर्तमान समय में। तो फिलहाल भारतीय महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेगी और यह फैसला COVID-19 महामारी के कारण तैयारी की कमी और यात्रा की अनिश्चितताओं के कारण लिया गया है। भारतीय स्क्वैश रैकेट महासंघ ने यह फैसला खिलाड़ियों के परामर्श के बाद 3 अगस्त को लिया। महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 प्रतियोगिता 15 से 20 दिसंबर के बीच में मलेशिया में होने वाली थी। कहां होने वाली थी? मलेशिया में। जो सर्कल है वो इंपॉर्टेंट है। महिला विश्व कप टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेगी। अगली जानकारी है, गयाना के रक्षा बल के पूर्व चीफ स्टाफ और सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मार्क एंथनी फिलिप्स ने गयाना के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। तो क्या नाम है उनका? मार्क एंथनी फिलिप्स। कहां के? गयाना के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ
ली है। गुयाना की बात करें तो गुयाना मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूं, मैं इसको दक्षिण अफ्रीकी देश समझता हूं, तो आप ऐसा कंफ्यूजन मत पालो अपने अंदर, ये दक्षिण अमेरिकी देश है। गुयाना दक्षिण अमेरिकी देश है, कभी ये ब्रिटिश ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। वास्को डी गामा ने इसको पहले देखा था 1498 में, लेकिन हॉलैंड पहला कंट्री था जिसने यहां पर उपनिवेश बनाया। बाद में ये ब्रिटेन के कब्जे में चला गया और तीन स्टेट को मिलाकर उन्होंने एक ब्रिटिश गुयाना बना दिया था। तो फिलहाल वर्तमान समय में इसके राष्ट्रपति हैं इरफान अली, अभी अभी इनको अपॉइंट किया गया है। राजधानी जॉर्ज टाउन, गुयाना की राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। स्थानीय भाषा क्रियोल बोली जाती है। दूसरी बात, गुयाना डॉलर जो है, गुयाना डॉलर जो है वो यहां की करेंसी है। आधिकारिक भाषा वैसे अंग्रेजी है लेकिन स्थानीय भाषा क्रियोल है। तो गुयाना दक्षिण अमेरिकी एक देश है, अमेजन से उत्तर में पड़ेगा, नीचे अमेजन बहती है, और इस तरीके से देखा जाए तो वेनेजुएला के बगल में है, सुरीनाम के बगल में है। बाकी मुझे लगता है कि इतनी जानकारी पर्याप्त है कि गुयाना की राजधानी क्या है, जॉर्ज टाउन है। तो अब पढ़ते हैं आपके वन लाइनर की ओर। स्कूली छात्रों के बीच वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो फिलहाल यह है विद्यार्थी विज्ञान मंथन। किस राज्य ने ई रक्षाबंधन नामक साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया? आंध्र प्रदेश ने। और किस देश ने नया राजनीतिक नक्शा जारी करते हुए भारतीय इलाकों जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गुजरात के जूनागढ़ को अपने नक्शे में शामिल किया है? तो वह है पाकिस्तान। अयोध्या में राम मंदिर के पास कितनी जमीन रखी जाएगी? 70 एकड़ की जमीन होगी। ब्रिटिश सिक्के पर फीचर करने वाले पहले गैर श्वेत व्यक्ति कौन बन गए हैं? महात्मा गांधी। और किस भारतीय पत्रकार को राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? वो है दीपांकर घोष। इंडियन एक्सप्रेस से बिलोंग करते हैं। विशेष कोर्ट टू विन शीर्षक वाली पुस्तक किसने लिखी है? निरुपमा यादव ने, विशेष रघुवंशी के ऊपर, जो कि भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान रहे। हाल ही में डीसीजीआई ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में कोविड शील्ड द्वितीय और तृतीय चरण के नैदानिक परीक्षण को मंजूरी दी है। ये किसने बनाई है? ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने बनाई है। ये विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। डॉग अर्ले और बॉब बेहनकन को लेकर मैक्सिको की खाड़ी में कौन सा उतरा स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल? महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में नहीं जा रही है। ये कहां पर आयोजित होने वाला है? ये आपका मलेशिया में आयोजित होने वाला है। और किसने गुयाना के प्रधानमंत्री के रूप में अभी हाल ही में शपथ दी है? वो है मार्क एंथनी फिलिप्स। और भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो वो है शशिधर जगदीशन, जो आदित्यपुरी की जगह लेंगे। अब बारी है आज के हमारे क्विज की। स्कूली छात्रों के बीच वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? विद्यार्थी विज्ञान मंथन। किस राज्य ने ई रक्षाबंधन नामक साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? किसने किया है बताइए? अरे बताओ भाई। हाँ, वेरी गुड, ये है मजा, ऐसे याद हो जाता है, हर हाल में याद होगा। तो वो है भाई हमारा आंध्र प्रदेश। किस देश ने नया राजनीतिक नक्शा जारी करते हुए भारतीय इलाकों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और जूनागढ़ को अपने नक्शे में शामिल कर लिया है? कर लो बेटा शामिल, तुम्हें शामिल करने से कुछ ना होगा। पाकिस्तान। अयोध्या में राम मंदिर के पास कितनी जमीन बनाई जा रही है? तो राम मंदिर के पास 70 एकड़ जमीन होगी। और विशेष कोर्ट टू विन शीर्षक वाली पुस्तक को किसने लिखा है? वो है प्रसिद्ध स्पोर्ट्स लेखिका निरुपमा यादव। हाल ही में डीसीजीआई द्वारा भारत में कोविशील्ड के द्वितीय और तृतीय चरण के नैदानिक परीक्षण करने के लिए किसको मंजूरी मिली है? वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में स्थित है। और डॉग हार्ले और बॉब बेहनकन को लेकर कौन आया मैक्सिको की खाड़ी में जो उतर गया? तो वो था स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल। और महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2000 प्रतियोगिता कहां आयोजित होने वाली है? तो ये मलेशिया में आयोजित होने वाली, जिसमें भारतीय महिला विश्व कप टीम भाग नहीं ले रही है। किसने गुयाना के प्रधानमंत्री के रूप में अभी हाल ही में शपथ ली है? तो उनका नाम है मार्क एंथनी फिलिप्स। और ब्रिटिश सिक्के पर फीचर करने वाले पहले गैर श्वेत व्यक्ति कौन से बने हैं? तो वो है हमारे महात्मा गांधी, जिनको सिक्के पर ढाला जाएगा। किस भारतीय पत्रकार को राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया गया है? तो नामित किया गया, तो उनका नाम है दीपांकर घोष। 2020 का पुरस्कार दीपांकर घोष को मिला, जबकि 2019 का मिला था राजदीप सरदेसाई को। इंडिया टुडे के हैं वो। भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक को अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो उनका नाम है शशिधर जगदीशन, जो कि आदित्यपुरी की जगह लेने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही रखता हूं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।